प्रथम तहलका न्यूज अनिल विज अनिल विज जी आपका धन्यवाद। शेरे हरियाणा जिंदाबाद, ये इस तरह के नारे उस नेता के लिए है जिसने अंबाला की काया ही पलट कर रख दी और अंबाला को बेहतर से भी बेस्ट बनाने के लिए कई तरह के प्लान बना रहे हैं। स्वच्छता से लेकर सेहत तक हर पैमाने पर मंत्री अनिल विज ने बेहतरीन कार्य किया है। इसी का नतीजा है कि लोग उनके काम से प्रभावित हैं और शेरे हरियाणा जिंदाबाद जैसे नारे लगाए जा रहे हैं। तो वही अनिल विज ने भी जय सियाराम कहकर लोगों का आभार जताया। अनिल विज बता दें कि अंबाला को गंदगी से मुक्त करने और स्वच्छता के मामले में और भी बेहतरीन बनाने के मामले में मंत्री अनिल विज ने एक कदम आगे बढ़ाया है। अंबाला के नालों को लेकर उन्होंने आईआईटी रुड़की से एक विशेष तौर पर प्लान तैयार करवाया है। इसके तहत अब नालों की सफाई मैनुअल तरीके की बजाय मशीन के द्वारा की जा सकेगी। अंबाला के जो मेन नाले शहर से होकर गुजरते थे उसे अब खत्म किया जाएगा और उसकी जगह पाइप को डालने का काम किया जा रहा है ताकि लोगों को गंदगी, मच्छरों और बदबू से निजात मिल सके। इसके साथ ही शहर की सफाई को बरकरार रखा जा सके। कुल मिलाकर कहीं ना कहीं शहर की एक नई तस्वीर को बनाने की कवायद की जा रही है। इसे लेकर हमने मंत्री अनिल विज से जाना कि उनके मन में क्या कुछ प्लान है। उन्होंने बताया कि सभी पुरानी नालियों को तुड़वा कर अंडरग्राउंड पाइप डालने का काम किया जा रहा है ताकि पानी की निकासी को सुगम बनाया जा सके। टांगरी नदी से लेकर रामबाग तक का काम तो पहले ही किया जा चुका है तो वही इसे बोह तक बनाने की योजना पर काम जारी है। पाला छावनी में पानी की निकासी सुगम हो उसके लिए सभी नालों पर काम चल रहा है। जो मेषनगर ड्रेन है उसको हम कंक्रीट की बनाते आ रहे और टांगरी नदी से लेके रामबाग तक बन चुकी है। उसको हम जहां से इसका उद्गम है वो के पास वहाँ तक बनाना चाहते हैं। कुछ पोर्शन उधर से भी हमने बना दिया था। इसी प्रकार से गुड़गुड़िया नाला वो हमने बना के दिया, लगभग वो पूरा है। इन नालों में मैनुअली गंद निकालने की जरूरत नहीं। ये नाले मैंने आईआईटी रुड़की से डिज़ाइन करवाए हैं। इनमें ट्राली उतर सकती है ताकि जेसीबी से बीच में ट्राली उतरकर इनकी सफाई की जा सके। अंबाला छावनी के जो पुराना सदर है उसमें घरों के, दुकानों के आगे जितने नाले थे उन सारों को हम बंद करवा के उनकी जगह पर पाइपलाइन डलवा रहे हैं ताकि गंदगी खत्म हो सके, पानी की निकासी तेजी से हो सके, मक्खी मच्छर से निजात मिल सके। और वो चार क्रॉस रोड तक डल गई है, 12 क्रॉस रोड तक हम ये पाइप डाल देंगे। अब ये बीच का नाला था जो उसको सेंट्रल नाला भी कहते हैं, ये बहुत खतरनाक था लोगों के घरों के आगे था। इसमें भी पाइप डालकर इसको बंद कर रहे हैं। आज काम शुरू करवा दिया और इसको भी ऊपर टाइलें लगा देंगे ताकि पानी की निकासी भी हो जाए और किसी को पता भी ना लगे कि यहाँ से पानी बह रहा है। और रोज़ाना जो यहाँ से गिरने का डर और गंदगी के ढेर, क्योंकि सफाई करना भी आसान नहीं था, कई जगह पर जाकर साइडों में जगह भी नहीं मिली, उसका भी फायदा होगा।
इसी प्रकार से 12 क्रॉस रोड का जो नाला है वो भी इसी प्रकार से बना दिया जाएगा, तो अम्बाला के हमारे सारे नाले नए बन जाएंगे और ये बिल्कुल से एक नया शहर दिखने लग जाएगा। मंत्री अनिल विज की यही सोच है कि उनका अम्बाला स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर एक पर हो। अम्बाला स्मार्ट सिटी तो पहले से ही है, लेकिन अब वे इसे बेस्ट बनाने पर लगे हुए हैं, जिसे लेकर वे लगातार काम कर भी रहे हैं। प्रथम तहलका के लिए अम्बाला से ब्यूरो रिपोर्ट।